चंडीगढ़ के लालडू में बीते दिनों एजुकेशन विभाग के कुलदीप कौर ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक कुलदीप कौर के परिजन न्याय की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। गौरतलब है कि तकनीकी शिक्षा विभाग में क्लर्क कुलदीप कौर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के भाई मलकीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत थी। अधीक्षक भूपिंदर सिंह और वरिष्ठ सहायक अरविंदर सिंह उनकी बहन का शारीरिक शोषण कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है, शव को अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं डीएसपी गुरबख्श सिंह, डीएसपी रेलवे दविंदर सिंह और एसएचओ रेलवे गुरदर्शन सिंह ने संदिग्धों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। सारी एड ते असिस्टेंस जिहड़ी भी हेल्प हैगी है जिहड़ी विक्टिम दी फैमिली नूं प्रोवाइड कीता जा रहा ते सानूं पूरी उम्मीद है कि रल मिल के जिहड़ा सारे यूनिट्स इत्थे काम कर रहे हैं असीं जल्दी इहदे बारे प्लीज आ रहा असीं नाल खड़े हैं इहनां दे इहनां दी फैमिली नाल साडी मैं मीटिंग जिहड़ी एसएसपी साहब ने कीती है असीं इहनां नूं अश्योरेंस भी दित्ती है वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स कि जिहड़े इहदे च अक्यूज ने जो कल्प्रिट्स ने उहनां नूं जल्दी तों जल्दी अरेस्ट कीता जाए। अफसोस है कि एक छोटी बच्ची कुलदीप कौर को सुसाइड करनी पई कि उहदे नाल धक्का हो रहा लगातार उहदे प्रेशर पाया गया उहदे उत्ते एक्सप्लॉयट किया गया पुलिस नूं कंप्लेंट की पेरेंट्स तरफों पुलिस ने उहदा कोई एक्शन लिता ते उह बच्ची ने अपनी जान दे दी। इह तों माड़ी गल की है हुण उहदे बाद छे दिन हो गए पांच छे दिन हो गए कोई इतने पुलिस का एस एस पी नहीं आया डीएसपी नहीं आया ठंड का नहीं आया कहते रेलवे महकमे का एस डी एम डी सी काम आ पंजाब का लक है पंजाब पुलिस की जिम्मेवारी है रेलवे की तो होंगी होंगी पर सब तो वही जिम्मेवारी पंजाब पुलिस की है। मैं हैरान हाँ मैं एस एस पी ने गल की मैं कहते घरे बैठे हो दफ्तर बैठे हो तो कम इतने होना एस एस पी साहब ने की भरोसा दिता एस एस पी साहब ने कहा जी मैं हूं करता है मैं करता नहीं।